की आजादी के 75 साल के बाद निषाद जो है 15% है वो जाग चुका है, अपने पैर पे खड़ा हुआ, और उनको चाहिए गुलाम, और वो उनका एक ही इंटरेस्ट था कि पार्टी विलय कर लीजिए और मेरा गुलाम बन के रहिए। तो हर समय हर लोग हमेशा गुलाम नहीं बनेगा, कोई ना कोई आएगा जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और अपने समाज के लिए देश के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो हर व्यक्ति गुलाम नहीं बन सकता, और हमें गुलामी की जिंदगी जीना नहीं था, हमें अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना था, और मैंने उसके लिए मैंने उनकी बात नहीं माना, पार्टी विलय नहीं किया। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया, 15 महीने का MLC बनाया और बराबर प्रेशर देते रहा और फिर विधायक ले लिया। तो ये उनका एक था कि इनको परेशान करेंगे और आने वाले समय में 1.5 साल में 2 साल में ये टूट जाएगा और कमजोर हो जाएगा और फिर मेरे सामने झुक जाएगा। मुकेश जी, अमर पासवान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसके साथ छल कपट किया है, उन्होंने कल भी हमारे साथ बात करते हुए कहा है उन्होंने आपको टिकट। ये बात आप भी अच्छे से तरीके से जानते हैं और बोछा विधानसभा के जनता भी जान रहे हैं। वो उनके पिताजी हमारे विधायक थे, मजबूती से रहे, नहीं रहने के बाद हम मजबूती से उनके परिवार के साथ रहे और अंतिम सांस तक हमने निर्णय लिया था कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, और आपने देखा कि किस तरीके से हमको छोड़कर जैसे हम कमजोर हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना कैंडिडेट दे दिया तो उनको लगा कि यहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसने हमें छोड़कर दूसरे जगह चले गए। कि आजादी के 75 साल के बाद निषाद जो है 15% है वो जाग चुका है, अपने पैर पे खड़ा हुआ, और उनको चाहिए गुलाम, और वो उनका एक ही इंटरेस्ट था कि पार्टी विलय कर लीजिए और मेरा गुलाम बन के रहिए। तो हर समय हर लोग हमेशा गुलाम नहीं बनेगा, कोई ना कोई आएगा जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और अपने समाज के लिए देश के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो हर व्यक्ति गुलाम नहीं बन सकता, और हमें गुलामी की जिंदगी जीना नहीं था, हमें अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना था, और मैंने उसके लिए मैंने उनकी बात नहीं माना, पार्टी विलय नहीं किया। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया, 15 महीने का MLC बनाया और बराबर प्रेशर देते रहा और फिर विधायक ले लिया। तो ये उनका एक था कि इनको परेशान करेंगे और आने वाले समय में 1.5 साल में 2 साल में ये टूट जाएगा और कमजोर हो जाएगा और फिर मेरे सामने झुक जाएगा। मुकेश जी, अमर पासवान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसके साथ छल कपट किया है, उन्होंने कल भी हमारे साथ बात करते हुए कहा है उन्होंने आपको टिकट। ये बात आप भी अच्छे से तरीके से जानते हैं और बोछा विधानसभा के जनता भी जान रहे हैं। वो उनके पिताजी हमारे विधायक थे, मजबूती से रहे, नहीं रहने के बाद हम मजबूती से उनके परिवार के साथ रहे, और अंतिम सांस तक हमने निर्णय लिया था कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, और आपने देखा कि किस तरीके से हमको छोड़कर जैसे हम कमजोर हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना कैंडिडेट दे दिया तो उनको लगा कि यहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसने हमें छोड़कर दूसरे जगह चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और VIP के मुखिया मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी, सबसे पहला सवाल है कि लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, फिर से दोबारा आपकी विधायक जीत होगी? नहीं देखिए, हम लोगों को संघर्ष करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपने देखा कि आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार हम लोगों निषाद समाज को चेहरे पे खुशी आया कि हमारे सहयोग से सरकार बना, हमारे सहयोग से सरकार बनने के बाद हमने सोचा समाज के लिए, राज के लिए कुछ कर पाए, और उसके लिए हमने निरंतर प्रयास कर रहा था, और किस तरीके से लोगों ने हमारे साथ छल किया, हमारे समाज के साथ छल किया, हमारे विधायक तोड़ लिए, हमारे सीटिंग सीट पे प्रत्याशी दे दिया, उसके बाद मंत्रिमंडल से हमें बाहर कर दिया। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है संघर्ष करना, और जनता के बीच में जा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं कि न्याय कीजिए आप लोग, और देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लोगों का हुजूम आ रहा है, लोगों का अपनापन है, प्यार है, और मजबूती से यहाँ पे हम लोग चुनाव जीतेंगे, और जो लोगों ने गलत किया उनको 16 तारीख को उनके कहीं ना कहीं चेहरे पे कालिक पोतने वाला काम होगा, और कहीं ना कहीं हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिर हम खड़ा होंगे और संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मुकेश जी, तमाम जो जनता जानना चाहते हैं कहाँ गलती हुई, किस तरीके से BJP के साथ आपकी बातें हुई थी, अब मंत्री पद से हटा दिया गया है, अब सरकार में नहीं है, क्या चीजें हुई थी BJP कुछ नहीं हुआ। देखिए, आजादी के 75 साल के बाद निषाद जो है 15% है वो जाग चुका है, अपने पैर पे खड़ा हुआ, और उनको चाहिए गुलाम, और वो उनका एक ही इंटरेस्ट था कि पार्टी विलय कर लीजिए और मेरा गुलाम बन के रहिए। तो हर समय हर लोग हमेशा गुलाम नहीं बनेगा, कोई ना कोई आएगा जो लड़ाई लड़ेगा, संघर्ष करेगा और अपने समाज के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ेगा। तो हर व्यक्ति गुलाम नहीं बन सकता, और हमें गुलामी की जिंदगी जीना नहीं था, हमें अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ना था, और मैंने उसके लिए मैंने उनकी बात नहीं माना, पार्टी विलय नहीं किया। उसके बाद उन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया, 15 महीने का MLC बनाया और बराबर प्रेशर देते रहा और फिर विधायक ले लिया। तो ये उनका एक था कि इनको परेशान करेंगे और आने वाले समय में 1.5 साल में 2 साल में ये टूट जाएगा और कमजोर हो जाएगा और फिर मेरे सामने झुक जाएगा और फिर जो हम कहेंगे वो मानेंगे।
तो उन्होंने ये रणनीति अपनाया कि अभी दो साल बिहार में चुनाव है, दो साल में देखते हैं ये कितना टूटता है। तो उन्होंने यही करने का काम किया है। तो हम लोग टूटने वाले नहीं हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। आज़ादी से लेकर अब तक हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पूर्वज संघर्ष किए हैं, हम भी संघर्ष करेंगे, हमारे लोगों को जागरूक करेंगे। एक न एक दिन आएगा कि हम लोग अपने दम पे खड़ा होंगे और हम लोग किसी के रहमो करम पे जीना नहीं चाहते। मुकेश जी, बात विधायकों की करें तो विधायकों से बात आपकी होती थी कि आप उधर जा रहे हैं या फिर आपके साथ हैं, इसको लेकर क्या कुछ मन मुटाव था या फिर क्या कुछ कोऑर्डिनेशन की कमी थी विधायक? देखिए, जब पार्टी छोटा होता, जब जिसके पास कम विधायक होता तो उसमें बहुत सारा समस्या होता है। और जिस विधायक को लोभ लालच मिले, लोग कहते हैं कि 100 करोड़ रुपया मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, विधायक मंत्री बना रहा है, ये सब मिल रहा, ऑफर उनको दिया गया, वो कितना पैसा दिया नहीं दिया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन लोगों के कहने से सुनते हैं। अब जिसके पास इतना पैसा, इतना पावर का ऑफर करे तो कोई भी आदमी बदल जाएगा। अब मेरा पार्टी क्या, आप देखिए चिराग पासवान जी का, उनके चाचा, उनके भतीजा ही उनको भाई छोड़ के चला गया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में जब आपका छोटा दल होता है, जब छोटा सा नंबर होता है, उस समय में इस तरीके से होता है। तो अभी हम लोगों का प्रयास है, 4 था, अभी आने वाले समय में 40 बनाएंगे। जब 40 बनेगा तो फिर इस तरीके से नहीं होगा, लोग तोड़ने का काम नहीं करेगा। और जब कमजोर रहेंगे तो लोग आपको परेशान करने का कोशिश करेगा। जब हम ताकतवर हो जाएंगे, यहाँ पे अपने अपने अकेले दम पर यहाँ पे चुनाव जीत लेंगे, तो पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज आएगा कि वीआईपी पार्टी, निषाद समाज भी अपने दम पर लड़ाई लड़ना जानता है और अपने हक अधिकार छीनेगा। और फिर ऐसे अगर आपके पास ताकत हो जाएगा तो आपसे कोई लड़ेगा नहीं, फिर आपसे समझौता करेगा। मुकेश जी, अमर पासवान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने उसके साथ छल कपट किया है। उन्होंने कल भी हमारे साथ बात करते हुए कहा है उन्होंने आपको टिकट, ये बात आप भी अच्छे से तरीके से जानते हैं और बोछा विधानसभा के जनता भी जान रहे हैं। वो उनके पिताजी हमारे विधायक थे, मजबूती से रहे, नहीं रहने के बाद हम मजबूती से उनके परिवार के साथ रहे और अंतिम सांस तक हमने निर्णय लिया था कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। और आपने देखा कि किस तरीके से हमको छोड़कर, जैसे हम कमजोर हुए, जैसे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना कैंडिडेट दे दिया तो उनको लगा कि यहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और उसने हमें छोड़कर दूसरे जगह चले गए और वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बताइए, हम तो उनको नहीं भेजे, उन्होंने दूसरे जगह चले गए, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं था। फिर हमने यहाँ पे रमे राम जी को, हमने उनके सुपुत्री गीता जी को, हमने डॉक्टर गीता को हमने टिकट देने का काम किया। ये पूरा जनता को, बिहार के जनता को, बोछा के जनता को पता है किसने किसके साथ धोखा किया। तो खैर, वो जहाँ पे भी रहे, हमारा शुभकामना उनके साथ रहे है। वो चुनाव हार के फिर आए हमारे पास, भविष्य में उनके बारे में हम सोचेंगे। अभी तो वो चुनाव नहीं जीत रहे क्योंकि उनको संघर्ष करना नहीं जानते। कभी भी कोई भी चीज़ में परिस्थिति जो भी हो, इंसान को संघर्ष करना चाहिए। आज हमें ये जो चीज़ मिला है विरासत में नहीं मिला, हमने संघर्ष करके 30 रुपये रोज पर मजदूरी करके इस जगह को, मुकाम को हमने पाया है और फिर हम संघर्ष करेंगे। तो आज उनके पास पिताजी ने बहुत कुछ देखे गया है, उनको संघर्ष करना नहीं है। तो खैर, वो जहाँ पे भी है, हमारा शुभकामना उनके साथ है। धन्यवाद मुकेश जी, आपने रमाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी और वीआईपी के मुखिया, उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि मुकेश सहनी की पार्टी यहां से विधायक जीतकर जाती, सदन में जाती है या नहीं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से उनको मंत्री पद से हटाया गया है, तमाम जो सवाल थे उनको उनका जवाब दिया है और जिस तरह से लगातार कल से सवाल लगातार उठ रहा था। अमर पासवान ने कहा था कि हमारे साथ बात करने के लिए कि मुकेश सहनी ने हमें धोखा दिया है। तो ऐसे में देखिए, मुकेश सहनी साफ कर दिया है कि हमने उनको धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हमारे साथ धोखाबाजी किया है। लास्ट टाइम में हमने उनको कहा था कि अंत अंत तक आपको हम अपने बुचाहा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसे में देखिए, वो जब लगा उनको कि पार्टी कमजोर हो गई तो वो अमर पासवान राजद के खेमे में चले गए। बहरहाल, इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।